Welcome to this video of Math Magic Standard 3. This is the second part of the video for Chapter 4, Long and Short. And today we are going to see exercise from number 8 onwards. Question 8. Match in an appropriate way. So यहां पर मैचिंग करना है ए और बी को, तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स दिए हैं, 5 मीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर, और राइट साइड पे हमें दिया है ए लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म, ये अर्थवर्म का पिक्चर दिया है, अर्थवर्म कितना लंबा हो सकता है, हाइट ऑफ ए चाइल्ड की हाइट कितनी हो सकती है, विथ ऑफ ए नेल, फिंगर नेल की विथ, ये विथ कितनी हो सकती है, लेंथ ऑफ अ सारी, ये जो सारी है ना मेजर करनी थी आपको, तो सारी कितनी लंबी हो सकती है, और डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल कितना हो सकता है, देखो 20 to 22 तक जाना है, दिखता ही नहीं है, आप बोलोगे सर दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता है, ये रहा देखो, ये 5th नंबर का ऑप्शन 1 सेंटीमीटर और यहां पर ई, बराबर देखो क्या है, होम टू स्कूल 20 22, बराबर ऐसा है, अभी दिखा है ना, चलो तो उसको मैच करते हैं। अभी आप बताइए कि 5 मीटर क्या होगा, 5 मीटर लेंथ किसकी हो सकती है, अगर आपने 5 मीटर घर जाके घर पे, कल जो मैंने पार्ट 1 में होमवर्क दिया था वो जो किया होता तो आपको मालूम होता कि मम्मी की साड़ी 5 मीटर की होती है, फिर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स की लेंथ किसकी होगी, वो तो अभी देखा ना, ये रहा हमारा घर और घर से स्कूल का डिस्टेंस 20 से 22 तक जाना है, यानी 2 किलोमीटर, तो हमें ये मैच करना है, 2 किलोमीटर लेंथ घर से स्कूल के डिस्टेंस की होगी, अभी 10 सेंटीमीटर लेंथ किसकी होगी बोलो, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितना होता है बताऊं मैं स्केल पर, ये रहा देखो इतना होता है 10 सेंटीमीटर, आपको दिखता होगा, ये रहा, तो इतना तो अर्थवर्म हो सकता है, अर्थवर्म छोटा ही होता है ना, इसको मैच कर लेते हैं हम ऐसे, अर्थवर्म, फिर 1 मीटर, 1 मीटर हाइट कितनी होती है, 1 मीटर हाइट आपकी हो सकती है, आपसे थोड़ी, आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, मगर कोई स्कूल हाइट ऑफ ए चाइल्ड वो 1 मीटर हो सकती है, और ये नेल जो अपना नेल है ना, नेल ये उसकी चौड़ाई, बराबर विथ 1 सेंटीमीटर होगी, तो देखो ये हो गया मैचिंग, बराबर हमने पूरा मैच कर लिया, ये रहा देखो हो गया ना, चलो तो अब आगे चलते हैं, मैचिंग के बाद दूसरी एक्सरसाइज करते हैं ना, दिस इज क्वेश्चन 9, व्हाट इज सेड, क्या कहा है यहां पर, In the picture given below, the ant wants to reach the food. Measure each road using scale. बराबर तो ये रही ant, ये रहा उनका खाना, और ant को food तक पहुंचना है. There are 4 roads given. देखो ये एक रास्ता है. This one second. This is the 3rd one. And this is the 4th one. हमें सबका measurement करना है. देखो तो मेजर करते हैं यहां से, पहले
देखो ये मैंने मेजर किया यहां से यहां 6, तो मैंने 6 लिखा है, 6 सेंटीमीटर। ओके, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देखो 5.5 होता है, हम जो भी फुल फिगर होगा ना वो ही लेंगे, 0.5 हम नहीं बताएंगे। सो ये रहा 5। ओके, ये 1.5 है पर हम लेंगे सिर्फ 1। ओके, देन 7.5 हो रहा है तो हम लेंगे 7। चलो फिर आगे, रोड 2, 7 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हम लिखेंगे 7। फिर ये पॉइंट 3 से थोड़ा ज्यादा, मगर हमने लिखा 3। फिर यहां पर 3.5 हो रहा है, 3 से आगे हो रहा है, मगर हम लेंगे 3। और यहां पर ये रहा 4। चलो अभी रोड नंबर 3 को मेजर करते हैं, तो ये रहा 9 सेंटीमीटर, लिखा है ये पॉइंट पे, 5.5, 5.5 से भी ज्यादा हो रहा है, देखो 5.5 से ज्यादा, 6 के करीब करीब हो रहा है, तो हम लिख देंगे 6। फिर ये 4.5, 4 से थोड़ा ज्यादा है तो हम लिखेंगे 4 ही सिर्फ। चलो रोड नंबर 4, बिल्कुल नीचे का ग्रीन कलर वाला, 3 सेंटीमीटर, लिखा है 3। देन ये है 11 सेंटीमीटर से थोड़ा कम हो रहा है, ये देखो ये 10.5 से भी थोड़ा ज्यादा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 11 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में ये रहा 6 से थोड़ा ऊपर है तो हम लेंगे 6। चलिए अभी ये मेजर हमने किया रोड की लेंथ का, अभी हम सबको मिला लेते हैं तो कितना होता है। देखो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11, 12, 12 प्लस 7 करेंगे तो 19। सो ये रूट 1, रोड 1 है ना, वो 19 सेंटीमीटर का होगा। ये रहा फिर रोड 2, 7 प्लस 3 यानी 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 कितना होगा, 17। तो रूट 2, रोड 7, 17 सेंटीमीटर हुआ। फिर रोड 3, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 एंड 6 कितना होगा, 15, 15 एंड 4 कितना होगा, 19 सेंटीमीटर। फिर रोड 4, 3 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर तो कितना होगा, 11 एंड 3 14, 14 प्लस 6 20, तो रोड 4 20 सेंटीमीटर होगा। चलो तो हमें याद रखना है, मैं यहां पर लिख लूं क्योंकि हमें तो नेक्स्ट पेज पे जाना है, रोड 1 19 सेंटीमीटर, रोड 2 17 सेंटीमीटर, रोड 3 19 सेंटीमीटर और रोड 4 20 सेंटीमीटर। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या कहा है देखो, ये रहा, हमें यहां पर सब मेजरमेंट लिखने हैं, अच्छा किया ना मैंने पेज पे लिख लिया। चलो रोड 1, हाउ मच लेंथ ऑफ रोड 1 इज, सो वी राइट 19 सेंटीमीटर, ऐसे देखो 19 सेंटीमीटर। फिर रोड 2, 17 सेंटीमीटर, रोड 3 अगेन 19 सेंटीमीटर, रोड 4 20 सेंटीमीटर, बराबर। फिर यहां पर हमें पूछा है रो 5 नंबर पे, द शॉर्टेस्ट रोड कितना है, शॉर्टेस्ट देखो हमने तो 4 ऑल 4 लिख दिया ना, तो कितना है, 17 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ द शॉर्टेस्ट रोड अपार्ट फ्रॉम ऑल द गिवन 4 रोड्स,
हाउ मेनी सेंटीमीटर विल इट बी, तो शॉर्टेस्ट रोड कितना होगा, तो यहां पर तो हमने कह दिया है 17 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर विल इट बी, तो ये फिर से 17 सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि शॉर्टेस्ट तो वही है, बराबर। अभी ये शॉर्टेस्ट रोड कौन सा है, रोड टू, तो आपको पिक्चर में रोड टू के ऊपर पेंसिल से फिर से लाइन बनानी है, दूसरे बाकी के रोड से अलग बना देना है। देखो ये जो है ना रेड कलर वाला, इसके ऊपर आपको स्केल से पेंसिल से उसको ब्लैक बना देना है, देखो ऐसे, बराबर, दूसरे से अलग दिखेगा, बराबर। चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में आपको होमवर्क देने वाला हूं, बराबर, करोगे ना होमवर्क। नाउ दिस इज क्वेश्चन 10, राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैप गिवन बिलो। यहां पर एक मैप दिया है, उसके बेस पर मैप के रेफरेंस से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। चलो पहले तो मैप में समझा देता हूं, देखो क्या दिख रहा है मैप में। तो सबसे पहले तो ये आपको दिख रही है यमुना रिवर, यमुना रिवर, ओके। यमुना रिवर के पास पास बाजू में ये एक लाइन दिख रही है, बराबर, ये रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन का यहां पर आगरा रेलवे स्टेशन है, ये रहा रेलवे स्टेशन। चलो फिर रेलवे स्टेशन से आगे चलते हैं, यमुना रिवर के बिल्कुल साथ में ये रहा ताजमहल, देखो लिखा हुआ है ताजमहल। ताजमहल के ऊपर थोड़े आगे चलते हैं तो वहां पर आगरा का फोर्ट, आगरा का किला आता है, वो भी यमुना के किनारे ही है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। चलो फिर ऊपर चलते हैं तो यहां पर ये रेलवे लाइन और रिवर के बीच में बाबरपुर फॉरेस्ट है, देखो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। वैसे ही ये ताजमहल के नीचे ताज फॉरेस्ट है, देखो कितना सारा फॉरेस्ट है, ओके। एक दूर, बहुत सारा दूर, एक ये इस तरफ रेलवे लाइन के लेफ्ट में फतेहपुर सिकरी दिखाया है, देखो फतेहपुर सिकरी, बराबर। चलो अब कुछ मेजरमेंट उन्होंने दिए हैं, मैप होता है तो मैप में रोड्स दिखाते हैं और मेजरमेंट दिखाते हैं। तो देखो ये रहा रेलवे स्टेशन से ताजमहल, तो ये 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिखाया है, बराबर, 5 किलोमीटर, ओके। देन ताजमहल टू आगरा फोर्ट, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर दिखाया है। फिर आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी बहुत ज्यादा दूर है, देखो आगरा से फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर दिखाया है, बराबर। चलो तो अब हमें कुछ आंसर्स देने हैं पीछे, ओके। ये रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल में, बाजू में ही बाबरपुर फॉरेस्ट है, बराबर। आगरा के रेलवे स्टेशन से ताजमहल और आगरा के रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सिकरी कौन दूर है? देखो आगरा से ताजमहल सिर्फ 5 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर से थोड़ा ही ऊपर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आगरा फोर्ट है, पर आगरा फोर्ट से लेफ्ट में जाएंगे तो फतेहपुर सिकरी का डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है। तो इससे ही हमें समझ में आता है कि आगरा रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सिकरी बहुत दूर हो सकता है, आगरा से ताजमहल ही कम डिस्टेंस पे होगा, वही नजदीक होगा। ये सब आपको समझना है और आंसर्स खुद लिखना है, पप्पा या मम्मी की हेल्प लेनी है,
और पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स आपको देने होंगे। देखो ये रहे सब क्वेश्चंस, मैंने पेज को उल्टाया बराबर। व्हाट इज फार्दर फ्रॉम आगरा रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी? अभी मैंने कहा फतेहपुर सिकरी बहुत दूर है, तो ताजमहल ही कम डिस्टेंस पे है। हमें पूछा है कि व्हाट इज फार्दर, सो हमें लिखना है फतेहपुर सिकरी। व्हाट इज नियरर टू द रेलवे रेलवे लाइन ट्रैक, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताजमहल? देखो रेलवे ट्रैक बोला है, रेलवे स्टेशन नहीं। ये रहा रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बाजू में कौन क्या है, बाबरपुर फॉरेस्ट है या ताजमहल है? देखो ताजमहल तो रेलवे लाइन से बहुत दूर है, बाबरपुर फॉरेस्ट बिल्कुल नजदीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बाबरपुर फॉरेस्ट। व्हाट इज फार्दर फ्रॉम बाबरपुर फॉरेस्ट, फतेहपुर सिकरी और आगरा फोर्ट? अभी ये रहा बाबरपुर फॉरेस्ट, बाबरपुर फॉरेस्ट से फतेहपुर सिकरी ज्यादा दूर है या आगरा का किला? तो भाई सबसे दूर तो फतेहपुर सिकरी ही है, आगरा का किला तो नजदीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है फतेहपुर सिकरी। चलो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं, करोगे ना? करना तो पड़ेगा। चलो फिर क्वेश्चन 11, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर। ये पिक्चर दिया है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है बराबर। पिक्चर में बहुत सारी चीजें बताई गई है, हमें उसमें से आंसर्स भी देने हैं। चलो तो क्या क्या दिया है, देखो ये माउंटेन है सबसे ऊपर तो बराबर, माउंटेन से ये टेंट, ये बेस कैंप है हमारा, टेंट वाला, टेंट का कैंप है, कैंप से माउंटेन तक 300 मीटर्स का डिस्टेंस है बराबर। फिर टेंट से विलेज तक पहुंचने के लिए 400 मीटर्स ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, रास्ता है। देखो विलेज से वेल तक जाने के लिए और 150 मीटर्स है। ओके वेल से आगे जाएंगे तो 450 मीटर्स जाएंगे तो टेम्पल आएगा, फिर वेल से लेफ्ट साइड जाएंगे 250 मीटर तो पॉन्ड आएगा। चलो तो ये पिक्चर के अंदर माउंटेन, टेंट, विलेज, टेंपल, वेल, पॉन्ड सब दिखाया है और सबके बीच का डिस्टेंस भी दिखाया है। तो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं बराबर। ये बुक छोटी दिख रही है बहुत बराबर, क्योंकि ये पिक्चर भी तो दिखाना है इसीलिए, है ना? तो चलो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द विलेज फ्रॉम टेंट, बोलो ये विलेज का डिस्टेंस टेंट से कितना है? अभी देखो यहां पर दिख रहा है आपको 400 मीटर्स, कितना है 400। देखो मैंने थोड़ा पेज को ऐसे किया तो अभी दिखेगा 400 मीटर, सो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 400। चलो व्हाट इज द, अभी दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम विलेज? अभी विलेज से टेम्पल तक पहुंचना है तो कैसे जाएंगे, पहले तो वेल तक आना पड़ेगा और वेल से टेम्पल तक जाना पड़ेगा, तो विलेज से वेल 150 मीटर और 150 मीटर में 450 मीटर से और ऐड करना पड़ेगा, सो 450 + 150 600 मीटर होगा, तो आंसर लिखेंगे हम 600 मीटर बराबर। चलिए अभी ये रहा क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम माउंटेन, वेल फ्रॉम माउंटेन? देखो माउंटेन कहाँ है, ये रहा माउंटेन से वेल तक पहुंचना है तो माउंटेन से पहले तो आना पड़ेगा टेंट, टेंट से विलेज, विलेज से वेल, तो देखो 300 मीटर, 400 मीटर और 150 मीटर सबको मिलाना पड़ेगा, तो 3 + 4 700 + 150 और जोड़ेंगे तो 850 मीटर आएगा, तो हमें यहाँ पर आंसर लिखना है 850 मीटर। चलो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम पॉन्ड,
देखो अभी आप बताओ, ये रहा टेम्पल ऊपर, ये रहा वेल, और ये रहा पॉन्ड। पॉन्ड से टेम्पल तक पहुंचना है तो 250 मीटर आना पड़ेगा, और 450 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। 250 + 450 करना पड़ेगा, 450 बराबर। 450 में 250 ऐड करेंगे तो 600 एंड 700 एंड 800, 700 होगा। हाँ, 450 + 250 बराबर, तो 700। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपको काउंटिंग करना है, सम्स करना है अलग से। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम टेंट? अभी टेंट से पॉन्ड का कितना दूर है बोलो? टेंट ये रहा और पॉन्ड ये रहा, तो हमें मेजर करना है। टेंट से पहले तो विलेज, विलेज से वेल, वेल से पॉन्ड। चलो तो ये 400, 400 + 150 करेंगे तो 550, 550 + 250 करेंगे तो 800। तो हम यहां पर लिखेंगे 800। चलो बराबर। विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेंट टेम्पल फ्रॉम द टेंट, और हाउ मच मोर? तो क्वेश्चन सिक्स, सॉरी, क्वेश्चन सिक्स, विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम टेंट? देखो पहले तो पॉन्ड फ्रॉम टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम टेंट। चलो पॉन्ड से टेंट, ये रहा क्वेश्चन फाइव में हमने मेजर किया था, पॉन्ड टू टेंट 800 मीटर। अभी दूसरा डिस्टेंस है टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम टेंट। देखो टेम्पल कहाँ है, ये रहा, और ये रहा टेंट। तो टेंट से अगर टेम्पल पहुंचना है तो पहले तो विलेज पे आना पड़ेगा, विलेज से वेल, वेल से टेम्पल। तो देखो 400 मीटर + 150 मीटर + 450 मीटर सबको मिलाना पड़ेगा, तो 400 + 150 550, 550 + 450 करेंगे तो 600 एंड 700, 800, 900, 1000 मीटर हो जाएगा भैया। चलो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ तो कितना होगा, देखो 400 मीटर + 150 मीटर + 450 मीटर सबको मिला लेंगे ना, तो देखो 0, 5, 5, 10, 0, 1 कैरी ओवर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 मीटर। देखो ये रहा 1000 मीटर, यानी कि टेंट से पॉन्ड तक पहुंचना है तो 800 मीटर, टेंट से टेंपल तक पहुंचना है तो 1000 मीटर। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें यहां पर लिखना है टेंपल टू टेंट, टेंट टू टेंपल। तो यहां पर लिख देंगे टेम्पल फ्रॉम टेंट, हाउ मच, कितना ज्यादा होगा? देखो टेम्पल टू टेंट 1000 मीटर और पॉन्ड टू टेंट 800 मीटर, तो 800 और 1000 में डिफरेंस कितना है? 200 मीटर्स। देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। चलिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। सेवन नंबर, विच डिस्टेंस इज लेस, कौन सा डिस्टेंस लेस है? डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द वेल, पॉन्ड फ्रॉम द वेल। देखो मैं पेपर को बेंड कर देता हूं, पॉन्ड फ्रॉम द वेल, तो पॉन्ड टू वेल, और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द वेल,
चलो, पॉन्ड तो वेल हमने मेजर नहीं किया है, तो चलो मेजर करें। पॉन्ड टू वेल, ये रहा पॉन्ड टू वेल। ओ, तो डायरेक्ट दिया हुआ है 250 मीटर। देखो, ओके, टेम्पल टू वेल, अभी देखो ये रहा टेम्पल टू वेल, दिया है डायरेक्ट 450 मीटर। चलो, तो कौन सा डिस्टेंस लेस है, यहां पर हमें लेस कहा है, लेस फाइंड करना है, तो कौन सा लेस है पॉन्ड टू वेल, बराबर, फ्रॉम पॉन्ड, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द वेल, लिख देंगे पॉन्ड, शॉर्ट में लिखेंगे, जगह कम है ना, पॉन्ड फ्रॉम वेल इज लेस, हाउ मच लेस, कितना कम है। देखो ये 450 ज्यादा है टेम्पल टू वेल का, और पॉन्ड टू वेल 250 है, तो 450 माइनस 250 कर लेंगे, तो 0, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 200, तो आंसर आएगा 200, 200 मीटर इतना कम है। चलो फिर क्वेश्चन 8, विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम विलेज। देखो, माउंटेन विलेज और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम विलेज। चलिए, टेम्पल फ्रॉम विलेज ये रहा ऊपर लिखा है, देखो टेम्पल फ्रॉम विलेज 600, तभी डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं 600, पिक्चर में से भी आप ढूंढ सकते हो। माउंटेन फ्रॉम विलेज, बराबर, माउंटेन फ्रॉम विलेज वो नहीं ढूंढ आया तो हम ढूंढ लेते हैं। चलो, माउंटेन से टेंट, टेंट से विलेज, देखो ये है 300 और ये है 400, 3 और 4 को मिलाएंगे तो 700 हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, विच डिस्टेंस इज मोर, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, माउंटेन फ्रॉम विलेज या टेम्पल फ्रॉम विलेज, तो हम कहेंगे माउंटेन फ्रॉम विलेज, माउंटेन फ्रॉम, हाउ मच मोर, कितना ज्यादा है। देखो 700 और 600, तो 100 मीटर डिफरेंस है ना, डायरेक्ट लिख लेंगे 100 मीटर। चलो फिर 9 क्वेश्चन, विच डिस्टेंस इज लेस, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम टेंट, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम टेंट, माउंटेन फ्रॉम टेंट, और डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम टेंट। चलो ये भी आसान है, देखो माउंटेन फ्रॉम टेंट, माउंटेन फ्रॉम टेंट कितना है 300, फिर विलेज फ्रॉम टेंट तो 400, 400 मीटर, 300 मीटर। चलो, विच डिस्टेंस इज लेस, किसका डिस्टेंस लेस है, तो डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम टेंट और डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम टेंट, तो देखो माउंटेन फ्रॉम टेंट 300 है और विलेज फ्रॉम टेंट 400 है, तो हम लिखेंगे माउंटेन फ्रॉम टेंट। टेंट, हाउ मच लेस, कितना लेस है, देखो 300 और 400 डिफरेंस कितना है 100, तो 100 मीटर। और अब लास्ट क्वेश्चन, विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन, अच्छा वेल फ्रॉम द माउंटेन, डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट, टेम्पल फ्रॉम द टेंट, विच डिस्टेंस इज मोर। चलो, तो हमें दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, पहले तो वेल फ्रॉम माउंटेन, देखो ये माउंटेन से वेल तक पहुंचना है, हमने कहीं पर ढूंढा है क्या, हाँ है ना, वेल फ्रॉम द माउंटेन ये रहा क्वेश्चन 3 में हमने फाइंड किया था, वेल फ्रॉम माउंटेन 850 मीटर, आप फिर से भी फाइंड कर सकते हो। देखो माउंटेन से वेल तक पहुंचना है, तो माउंटेन से
टेंट 300, टेंट से विलेज 400, विलेज से वेल 150 मीटर, सबको मिला लेंगे तो आंसर होगा 850। अभी टेंपल टू टेंट, ये रहा टेंपल टू टेंट, वो भी हमने मेजर किया ही है कहीं पर, देखते हैं चलो है क्या। टेंपल विलेज फ्रॉम टेंट है, टेंपल फ्रॉम नहीं है, चलो तो कोई बात नहीं मेजर कर लेते हैं। टेंपल टू टेंट तो देखो कितना है, टेंट से विलेज 400, विलेज से वेल 150, वेल से टेंपल 450। चलो ऐड करो, 1 0 हो गया, 5 5 10 0, 1 3 और 4 1 5 6 7 8 9 10। ये हमने आगे एक क्वेश्चन में ही फाइंड किया था, क्वेश्चन 1 में ही, मेरे क्वेश्चन 6 में। चलो कोई बात नहीं, हमने फाइंड फिर से कर लिया 1000 मीटर, बराबर। तो विच डिस्टेंस इज मोर, सो हम कहेंगे टेम्पल टू टेंट। हाउ मच मोर, कितना मोर होगा, तो 850 और 1000 है, तो 1000 में से 850 माइनस करेंगे, करना आता है ना आपको, ये कट, 0 में से 5 नहीं जाएगा, बाजू में से लेंगे, इसके पास भी नहीं है तो यहां से लेंगे, यहां 0 हो जाएगा, यहां 9 और 10, 10 में से 5 कट, 5, 9 में से 8 कट, 150, तो आंसर कितना आएगा, 150 मीटर। चलो सब क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए, बराबर। अभी ये क्वेश्चंस में आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि यहाँ तो सब प्रैक्टिकल मेजर करना था, बराबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का। नाउ यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, एमसीक्यू क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स। टू कन्वर्ट मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई मीटर्स बाय हाउ मच। भाई मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कोई भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे कि ये 5 मीटर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 0 0, तो 500 सेंटीमीटर हो गया। देखो तो मीटर में से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये आंसर बी सही है, हम यहाँ लिखेंगे बी, बराबर। ऑप्शन क्या लिखेंगे, ये रहा बी। चलो फिर आगे, टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स पुट ब्लैंक जीरो आफ्टर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। भाई किलोमीटर्स में से मीटर करना है तो कितना जीरोस मीटर के पीछे लगाएंगे, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, बराबर। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देखो तो 1 किलोमीटर में से ही मीटर लग करने में 1 के पीछे कितने जीरो लग गए, 3 0। अगर 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है सॉरी, तो 5 किलोमीटर में से मीटर करना है तो 5 के पीछे कितने जीरो लगा देने पड़ेंगे, 3 0। तो ये रहा सी, सी आंसर हमारा सही है, बराबर। मीटर बनाने के लिए किलोमीटर के, किलोमीटर का जो भी फिगर होगा उसके पीछे 3 0 लगाने पड़ेंगे। ओके, के एम एंड एम, के एम एम एंड सी एम आर द यूनिट्स ऑफ व्हाट, मास का, कैपेसिटी का, करेंसी का या लेंथ का। तो भाई ये किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर तो हम लेंथ मेजर करने के लिए ही यूज करते हैं, तो ये डी आंसर हमारा सही है, यूनिट ऑफ लेंथ। ओके फिर क्वेश्चन 4, 1 मीटर
प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। अभी देखो मीटर में आंसर चाहिए, हमें क्या कहा यहाँ 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर, और यहाँ तो हमें आंसर मीटर में चाहिए। तो अभी आपको तो मालूम ही है 1 मीटर में किलोमीटर कितना होगा, यहाँ पर लिखा ही है 1000। अभी 1 मीटर और 1000 मीटर को मिला लेंगे तो कितना आंसर होगा, 1001 मीटर। तो डी आंसर हमारा सही रहेगा। चलो फिर 5 मीटर 74 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, यहाँ कुछ कहा नहीं है मगर जो ऑप्शंस दिए हैं सब में सेंटीमीटर ही है, तो हम यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं। देखो 5 मीटर 74 सेंटीमीटर, अभी आपको तो मालूम ही है 5 मीटर में से मीटर बनाने हो तो कितने जीरो लगा देने हैं, 3 जीरो, तो 5000 मीटर हो गया। फिर 74 सेंटीमीटर उसमें ऐड करने हैं, 74 सेंटीमीटर बराबर। नाउ क्वेश्चन 5, 5 मीटर 74 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर सब आंसर मिक्स भी दिया है। देखो मीटर का भी आंसर है, सेंटीमीटर का भी है, तो हमें सेंटीमीटर वाला आंसर ही लाना पड़ेगा। देखो ये फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 मीटर में 5074 मीटर कहां से हो जाएगा। देखो 5 मीटर 74 सेंटीमीटर, अभी मीटर में से सेंटीमीटर करना है तो इसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 500। आगे हमने देखा ना कि मीटर में से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 500 आ गया। इसके अंदर ये 74 को ऐड करना है बराबर। देखो मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, 500 प्लस 74 इज इक्वल टू 574 सेंटीमीटर हो गया। कोई बोलेगा मुझे नहीं मालूम हुआ, तो ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस 4, 0 प्लस 7, 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 574 सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखो है कहाँ पर, ये रहा सी। ओके अभी लास्ट, फाइंड ऑड वन, अरे दिखता ही नहीं है आंसर, मैंने लिखे तो दिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो अभी तो दिख गया ना। 5 मीटर 74 सेंटीमीटर, तो उसका आंसर 574 सेंटीमीटर हमने काउंट किया, ये रहा लिख दिया यहाँ। नाउ 6, फाइंड ऑड वन, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू प्लेग्राउंड, डेप्थ ऑफ वेल, लेंथ ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। भाई यहाँ ऑड वन कौन है, देखो लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स, हाइट ऑफ बिल्डिंग, डेप्थ ऑफ वेल, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू प्लेग्राउंड। तो सबसे छोटा यही है, लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स सबसे कम है, बाकी तो लार्ज डिस्टेंस है। देखो सब यही स्मॉल है, ये सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस है, बाकी का मीटर में हम मेजर कर सकते हैं, तो ये ऑड वन हो गया, तो आंसर आएगा सी। चलिए इसके साथ ही ये चैप्टर नहीं, अभी तो है। चलिए तो अब एमसीक्यू के बाद कुछ होमवर्क दिया हुआ है, लेट्स डू होमवर्क बराबर। देखो क्या होमवर्क दिया है, राइट द मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो अप्रोक्सीमेटली एंड ऑल्सो बाय स्केल। तो अभी आपको आपके पास घर पे ये इरेजर लेना है, इरेजर को आपको देखना है, देखकर उसकी लेंथ अंदाज से विदाउट मेजरमेंट आपको बतानी है बराबर। ये मेजरमेंट कितना है वो आपको बताना है। देखो अभी मैं आपको, मेरे पास कुछ है तो बताऊं। देखो
आपको ऐसे इरेजर, ग्लू स्टिक, कैलकुलेटर, पेंसिल, बहुत सारी चीजें दी हुई है। देखो, फिंगर, सीट ऑफ चेयर, क्रेयॉन, बुक, ये सबका मेजरमेंट आपको अप्रोक्सीमेट लिखना है और स्केल से मेजर करके भी लिखना है। देखो, अभी ये मेरे पास ये एक पेंसिल है, इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट गेस करता हूं कि कितना हो सकता है ना। इसके लिए पहले आपको स्केल बहुत ध्यान से देख लेनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि इसका 10 सेंटीमीटर हो सकता है, तो मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अभी हम मेजर करेंगे इसको स्केल से। स्केल कहाँ गई, ये रही। देखो, अभी स्केल ये रहा, स्केल ये रही। मैं स्केल से ऐसे इसको मेजर करता हूं। देखो, तो मैंने तो अंदाज लगाया था कितना, 10 सेंटीमीटर, मगर ये तो यहां तक 12 तक जा रहा है। देखो, है ना, तो मेजर करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो हमें स्केल से मेजर किया हुआ फिगर भी लिखना है ऐसे, 12। चलो, फिर ये मेरी जो उंगली है, फिंगर, मैं सोचता हूं कि ये 7 सेंटीमीटर हो सकती है। 7 सेंटीमीटर अभी मेजर करते हैं। जीरो का फिगर लगाया, अरे ये तो 7 से ज्यादा हो गई, 8 हो गई। कोई बात नहीं, तो मैं मेजर करता हूं, मेरी उंगली ये रही। देखो, 7 सेंटीमीटर मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा और एग्जैक्ट आया 8 सेंटीमीटर। ऐसे आपको बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट है वो मेजर करके लिखने हैं। पहले अप्रोक्सीमेट लिखना है, फिर मेजर करके लिखना है। चलिए, और भी होमवर्क है, बहुत सारा होमवर्क है आपको करना। चलिए, तो विच रोड विल बी शॉर्टर, पुट टिक ऑन इट। ऐसा हमने किया था पहले, बराबर, कहाँ किया था, बहुत 9 नंबर की एक्सरसाइज में किया था। अरे ये रहा, बराबर वैसा आपको करना है। अगर ये तो दो दो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, विच रोड विल बी लॉन्गर, पहले शॉर्टर को टिक करना है, ये लॉन्गर में करना है। तो लॉन्ग मेजर करने के लिए आपको मेजर किए बिना भी आप कर सकते हो। देखो, इसमें ये जिगजैग है, देखो ये भी, और ये घूम के जाता है, और ये रोड स्ट्रेट जाता है, बराबर। तो स्ट्रेट रोड शॉर्टर होता है, तो हम यहां पर तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि रोड टू शॉर्टर। अभी यहां पर कौन सा, विच रोड विल बी लॉन्गर, तो मेरे ख्याल से देखो, रोड टू स्ट्रेट जैसा ही है, रोड टू थोड़ा जिगजैग है, रोड थ्री भी है ऐसा ही, और रोड फोर मेरे ख्याल से देखो बहुत घूम फिर के जा रहा है, तो रोड फोर ही सबसे लॉन्ग होगा, बराबर। विल बी लॉन्गर, तो यही लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट होना चाहिए यहां पर। कोई बात नहीं, तो मेजर करके आप फाइंड करना, मैंने टिक कर दिया है। मैच द फॉलोइंग खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। देखो, मैच द फॉलोइंग, 1 मीटर, 100 1000 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 1000 मीटर, 2 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 2500 मीटर, ऐसे सब लिखा हुआ है, बराबर। और सामने भी दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर, 910 सेंटीमीटर। तो आपको ये सामने किसके साथ मैच करेगा, देखो 1 मीटर ये है, 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या होगा, उसके इक्वल क्या होगा, तो ये रहा देखो 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 के साथ मिलाना है, बराबर। फिर 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर यानी देखो 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर होगा, तो 1000 सेंटीमीटर होगा तो 10 मीटर होगा, तो ये मैच करना है, बराबर। 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, इसको मिलाना है, ऐसे आपको मैच करना है। चलिए, फिर ये एक और मैचिंग है,
उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया है। देखो ये मोबाइल फोन है, ये लैंप पोस्ट है, डिस्टेंस है हाउस टू टेंपल, ये मूंगफली ग्राउंड नट है और ये स्नैक है। तो कौन सा किसका डिस्टेंस क्या हो सकता है? बराबर देखो ये 2 सेंटीमीटर का फिगर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर का तो क्या हो सकता है, ये ग्राउंड नट हो सकती है। लैंप पोस्ट कितना हो सकता है? लैंप पोस्ट भाई, लैंप पोस्ट 15 सेंटीमीटर का तो हो सकता है लैंप पोस्ट, सॉरी मोबाइल फोन 15 सेंटीमीटर का हो सकता है, लैंप पोस्ट हो सकता है 5 मीटर का। देखो ये 5 मीटर का, बराबर ये 15 सेंटीमीटर का, मूंगफली यानी ग्राउंड नट 2 सेंटीमीटर की हो सकती है, स्नैक 1 मीटर का हो सकता है। 1 मीटर कितना होता है जरा स्केल से घर पे मेजर करके देखना, और डिस्टेंस फ्रॉम होम टू टेंपल 1 किलोमीटर हो सकता है। देखो ये तो मैंने ही कर दिया, आपको ये होमवर्क आपकी वर्कबुक में करना है, ठीक है? तो इसके साथ ये चैप्टर 4 हमारा खत्म हो रहा है, बराबर लॉन्ग एंड शॉर्ट ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। अभी उसके बाद जो सब चैप्टर है शेप्स एंड डिजाइन, वो हम बाद में देखेंगे। तब तक गुड बाय।